प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मात्र कागजों में ही सड़क निर्माण होते हैं, पर वास्तविकता में जाके देखा जाए तो न सड़क होती है और न ही पुल। बात कर रहे हैं कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकास खंड से महज 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम पंचायत दाबकट्टा की, जहां सड़क का पुल पिछले 15 सालों से पूरी तरह से टूटा पड़ा है। बता दें, ग्राम दाबकट्टा से भानबेड़ा जाने वाले सड़क में दो पुल ही आते हैं और दोनों पुल की जो हालत है इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पूरी तरह से पुल टूटा पड़ा है। गांव के सरपंच देवधर नूरेकी एवं ग्रामवासियों ने बताया कि यह पुल पिछले 15 सालों से टूटा पड़ा है, जिसके कारण हमें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे इसी रास्ते से जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। अभी पानी सूख गया है तो किसी प्रकार से आना जाना हो जा रहा है, पर बारिश के समय में पूरा पुल पानी से भर जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत हमने अधिकारियों से की है, पर अधिकारी झांकने भी नहीं आए। भानबेड़ा पहुंच मार्ग के लिए ये पुल टूटे है और अगले में फिर टूटे है। आगमन के लिए हम और किसान आदमी के एढ़ा खेत खार हो गए, सब जन सुविधा के लिए यही रोड बनती सा पुल है बनती के सोच थन हमारे आए जाए के सुविधा बहुत तकलीफ होते, और वहाँ के बच्चा आते हमारे यहाँ के स्कूल में ओकरे में बहुत तकलीफ होते, कहबा के ये पुल है नहीं बनते। इसलिए 5 साल 5 वर्ष ही पूरा गुजर चुके, जनपद जिस गाँव में सरपंच जिस गाँव में उप सरपंच जी गाँव में कुछ नहीं करी, ये हल्ला नहीं करी। इसलिए हमारे पुल निर्माण जो अच्छी तरह से अभी नया सरपंच हम बने से तो बन जाते, इस अच्छी तक सोचना हूँ। कितने सालों से पुल का ऐसी स्थिति है? 15 वर्ष ही हो गया सर, ये पुले अभी तक नहीं बन चुके हैं। हाँ बोलिए, क्या समस्या है जो सर? इस रोड में ना बहुत समस्या है, क्योंकि इधर से कच्चे से साले होते हुए आने से इधर भानबेड़ा निकलना पड़ता है, तो ये सीधा रास्ता पड़ता है भानु जाने के चक्कर, पैसा कौड़ी का बचत हो जाता है। ये पुल के कारण इस रास्ता में आदमी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी तो सूखा दिन में मोटरसाइकिल भी चलता है, साइकिल भी चलता है, ये बात नहीं। पानी आने के बाद इस रास्ता में मोटरसाइकिल नहीं जा पाते, ना बैलगाड़ी नहीं जा पाते, ना आदमी भी नहीं जा पाते भाई पूरा होने के बाद। तो इस समय ये हमारा कहने का मतलब नया सरपंच बन चुका है, तो अभी हमारे कहने का मतलब ये रोड बनना चाहिए, पुल का निर्माण भी होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। कितने सालों से पुल ऐसी है? ये 15 साल हो चुका है सर। 15 साल हो गए। हाँ। और इसके बाद इधर से जो बच्चे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जलीन कसा हमारा पंचायत है, तो वहाँ से बच्चे आते हैं ना, उन लोगों को तकलीफ होता है। मेरा खेती है इधर, पानी आता है तो खेती में अगर रुक जाता हूँ तो मेरा लाड़ी नहीं है, तो आने के लिए मेरे तकलीफ होता है, पानी पूरा रहता है। 15 साल बीजेपी की सरकार रहा था, उसमें अभी तक हमारा रोड का निराकरण भी नहीं किया, देखभाल भी नहीं किया, और अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है। तो अभी मैं यही चाहता हूं कि हमारा रोड पूरा हो जाए और पुलिया हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारा सरकार को, हमारा विधायक महोदय जी को, हमारा रोड को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया जाए और रोड को कंप्लीट किया जाए। और अभी तक हमारा आश्रित ग्राम जलीन कसा है, तो जब बाढ़ आता है आने जाने में बच्चों को बहुत परेशानी हो जाता है, बाढ़ आता है तो 2-3 दिन बच्चे रुक जाते हैं उधर, स्कूल नहीं आ पाते हैं ना। ग्राम में ग्राम पंचायत में जैसे मीटिंग वगैरह भी होता है तो नहीं आ पाते हैं मीटिंग वगैरह में जी। तो ये अभी तक मतलब इसमें जो ग्राम पंच है? हाँ जी सर, मैं अभी नव निर्वाचित सरपंच हूँ, मुझे भी नहीं बताया अभी तक, ना ग्रामवासी को भी नहीं बताया पैसा आता है या नहीं आता है, कैसा करना है कैसा नहीं करना है, ये जानकारी अभी तक पुराना सरपंच हमको नहीं दिया है। जी सर। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News, और हाँ यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।